बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 6A। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 था। आज जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो है 4.3.2.2 साइफर। वंजाइनर साइफर एक्चुअली में लास्ट टाइम जो हमने 3 करेक्टर सब्सटीट्यूशन और 5 करेक्टर सब्सटीट्यूशन पढ़े थी, ठीक है, हम उसी से रेलिवेंट ये टॉपिक है जिसमें हम एक टेबल यूज़ करते हैं अपने करेक्टर्स को चेंज करते हैं जिसे, ठीक है, जिसे साइफर टेक्स्ट हमने चेंज किया था। इसी तरह यहाँ पर हम एक टेबल यूज़ करते हैं, उस टेबल को जब हम यूज़ करने का जो वे होता है उसे हम क्या कहते हैं, वंजाइनर साइफर टेबल, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने वंजाइनर साइफर क्या होता है, टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, आपके पास या आपकी बुक में भी होगा, आपके पास देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। आपने क्या करना है, रो वाइज और कॉलम वाइज क्या करने हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं, ठीक है, सारे, यानी ए बी सी आपकी होती है वो ए से लेकर जी तक लिखेंगे, यहाँ पे भी ए से लेकर जी तक। अब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ए यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी सी डी, ये कॉन्टीन्यूसली यानी कि आपकी कहाँ तक चली जाएगी, जेड तक। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, ए को स्किप कर देना है, ठीक है, ए को स्किप करके यहाँ से बी से लेकर ना जेड तक आपने लिखनी है, बी सी डी। और स्टूडेंट्स, आपने कभी भी ये नहीं करना कि उसका ऑर्डर ख़राब करना है, ठीक है, आपने ऑर्डर सेम चलते जाना है, यानी कि बी से लेकर आगे आप कंटिन्यूसली चलते गए, जी तक आए, लास्ट आपका ये जो ब्लॉक था खाली था आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए। नेक्स्ट टाइम आप क्या स्किप करेंगे, ए और बी दोनों स्किप कर देंगे, यानी कि आप दोनों स्किप हो देंगे और सी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सी से स्टार्ट करके कहाँ तक ले गए, यहाँ तक, देखें आपके पास लास्ट सी तक आएगा और दो ब्लॉक्स खाली होंगे, जो यहाँ से हमने दो ए और बी नहीं लिखे थे आप वो इनको यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, अब आप क्या स्किप कर रहे हैं, ए यहाँ पर देखें आपने डी पर स्टार्ट करेंगे, आप क्या क्या स्किप करेंगे, ए बी सी, तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करेंगे डी से, ठीक है, आपने डी से स्टार्ट करके कंटिन्यूसली लिखते रहना है, और जो आपने नहीं लिखा होगा स्टूडेंट्स, ये आपने ए बी सी नहीं लिखा उसको लास्ट में लिख लेंगे। इसी तरह आपके पास लास्ट में देखें, आपने आगे आपने ए बी सी डी स्किप किया, ई से स्टार्ट करेंगे और जेड तक लिखेंगे, बाकी रिमेनिंग जो ए बी सी डी ई है वो आप लिख देंगे लास्ट में। फिर आपने ई तक नहीं लिखी, ठीक है, आपने एफ से स्टार्ट करनी है, एफ से लेकर जी तक लिखी और बाकी सारे आपने क्या करना है, उसके एंड में लिख देना है, यानी कि ए बी सी डी ई, ठीक है। इसी तरह कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट्स आपने लिखते जाना है, ठीक है, और लास्ट में ये जो आएंगे ना आपके पास, ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा, जेड रह जाएगा, ठीक है। जब आपके पास जेड रह जाएगा ना, जेड आपने लिखा, उसके बाद रिमेनिंग सारी ए बी सी आपने क्या की, यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, मैं दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ आपका लिखने का वे क्या है। सबसे पहले ये आपने क्या करना है, कॉलम और रो वाइज लिखना है, ठीक है, कॉलम और रो वाइज हम इस तरह लिख लेते हैं और आपने इस तरह, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम ए बी सी सीधी लिख लेते हैं, ठीक है। आपने उसके बाद एक एक लेटर यानी कि स्किप करते जाना है और उन लेटर्स को क्या करना है, एंड में लिखते हैं। जैसे पहले फर्स्ट टाइम ए स्किप किया था, जी तक ए बी सी लिख कर लास्ट में लिख देना, इस तरह ए और बी। नेक्स्ट टाइम यानी फर्स्ट टाइम हमने एक बार लेटर स्किप किया, फिर उससे टू स्किप करेंगे, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह कंटिन्यूसली हमने स्किप करते जाना है। और जो स्किप करते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखनी है, उसको एंड में ऑर्डर में ही लिखना है, यानी कि ये ना हो कि आप उल्टा लिख रहे हैं, आपने हमेशा किस में लिखना है, अगर ए बी सी डी है ना, तो आपके एंड में देखें ए बी सी डी ही आना चाहिए, ठीक है, और लास्ट तक आपके जी कंप्लीट होना चाहिए। एक और इसमें ये होना चाहिए, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको ये देखें, आपको भूल गया या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना, देखें आपका ये जो लिखे हैं ना अल्फ़ाबेट्स, ये सेम यहीं से आपके, ठीक है, स्टार्ट होती है आपके, ये देखें आपके पास ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, डी है तो डी, उसके आगे डी से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद रिमेनिंग लेटर लिख देते हैं, ये एफ से स्टार्ट हो रही है रिमेनिंग लेटर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ करते हुए, ये तो आपका टेबल है, ठीक है, जो आपने टेबल बनाना है, इसको यूज़ करते हुए हम कैसे अपने टेक्स्ट को चेंज करते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन आएगा, दो लेटर, दो वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा विग्नियर साइफर में कन्वर्ट करके दिखाएं, यानी कि उसके कॉमन, ठीक है। अब आपने कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ उसने दो वर्ड्स दिए हैं, पाकिस्तान और दूसरा वर्ड क्या था, जिंदाबाद, ठीक है, वो आपको लिख के देंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बनाना है कॉलम लेबल, ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है रो लेबल,
तो उसके बाद देखें आपने कैसे करना है, ये जो थर्ड आप बनाएंगे ना ये आपने खुद बनाना है, ठीक है। इसका नाम होगा कॉमन लेटर। अब देखें पी और जेड, ठीक है, दोनों लेटर हमने इस तरह लिख दिए, पी लिखा और नीचे आपने क्या लिखा है, जेड लिख दिया। देखिए सबसे पहले आपके पास पी क्या है और जी, देखिए आपने यहाँ से, अब ये कॉलम हो गया, ठीक है, आपने यहाँ से कॉलम में देखा जी पी, और यहाँ से देखेंगे आपके पास जी कहाँ पर, आप देखें ये लास्ट में आपके पास जी जा रहा है, इसका कॉमन क्या है, सेंटर में स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका यहाँ ये कॉलम वाइज पी को देखें और ये आपके पास यहाँ से इसको जी को रो वाइज देखें, तो ये सेंटर में क्या आ रहा है, ओ। आपने फर्स्ट टाइम क्या लिख दिया स्टूडेंट, ओ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ए और आई, ए को देखें और आई को देखें, ये देखें ए आया और यहाँ से देखें आई, तो इनका सेंटर कॉमन क्या है, आई। आप कॉमन के नीचे क्या लिख देंगे, आई। इसी तरह नेक्स्ट में देखें आपके पास के और एन, आपका ये के आ रहा है और ये आपके पास एन आ रहा है, तो इसके दरमियान में क्या है, एक्स, ठीक है, आप एक्स लिख देंगे। उसके बाद आई और डी, आई आ गया आपके पास, यहाँ से डी आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एल आ गया, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, एल लिख दिया। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है, एस और ए, ये आपके पास एस है और यहाँ से ए, तो इसका कॉमन क्या है, एस ही है, तो ये देखिए एस ही लिखा हुआ है। फिर आपके पास टी और बी, ये टी है और ये बी है, तो सेंटर में जो आपके पास आएगा हम उसको लिख देंगे, जैसे कि यू है हमने यू लिख दिया। ए और ए का कॉमन, ए और ए का कॉमन क्या आ गया, ए, हमने ए ही लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखें एन और डी, ये आपके पास एन और डी, ये क्यू है तो हमने क्यू लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ पर क्यू लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आया है ये आपके पास क्या है, विनियर साइफर, ठीक है, यह हमने कन्वर्ट किया है टेबल को यूज़ करते हुए, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसका कन्वर्ट करने का वे आपको आना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी तरह देखें, ये तो सिंपल हमारे पास कन्वर्ट हो गया, हमने रो ले ली, कॉलम हम उसे लिख लेते हैं और आगे आप उसके कॉमन निकाल लेते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हमें क्या दिया गया, एक पाकिस्तान वर्ड दिया और दूसरा हमें क्या दिया है, ब्यूटी, ठीक है। हमने जब लिखा तो देखें पी ए के आई एस टी एन, ये हमने लेटर्स कंप्लीट कर लिए। देखिए जब हम इसको लिखते हैं ना ब्यूटी, तो ये देखें आपके पास ये दो ब्लॉक्स क्या आते हैं, खाली रह जाते हैं, ठीक है, ये आपके पास दो खाली रह गए। तो स्टूडेंट्स उस केस में क्या होता है, ये स्टार्टिंग से लेटर ले लेते हैं, यानी कि ये और ये दोबारा, लेकिन हमेशा स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ जो एक कॉमन बात है ना वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि उसका सीक्वेंस नहीं ख़राब होना चाहिए, ये ना हो कि ई पहले लिख रहे हैं बी बाद में लिख रहे हैं, सबसे पहले बी लिखेंगे फिर आप ई लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसका सीक्वेंस ख़राब करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपका यहाँ से इसका कॉमन विग्नर साइफर जो टेक्स्ट होगा वो आपका सही नहीं आएगा, इसीलिए आपने हमेशा क्या करना है, बिल्कुल सीक्वेंस को ही फॉलो करना है, ताकि उसके ब्लॉक्स, एक तो ये देखें ना आपके नहीं, जाहिर सी बात है खाली नहीं रखने, क्योंकि उससे तो आंसर नहीं आएगा, आपके पास कॉमन करेक्टर ही नहीं निकलेगा, ये लेटर नहीं निकलेगा, इसीलिए जो बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं ना स्टार्टिंग के कंप्लीट करने के बाद जो खाली रह जाते हैं आपके पास, वो हम स्टार्टिंग से दोबारा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। अगर थ्री रह जाते तो हम ये ए बी ई ए लिख लेते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ दो लेटर्स भी होते स्टूडेंट्स हम बार बार इसको रिपीट भी कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर अगर आपके कॉलम वाइज में कोई रह जाते हैं तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, ये वाला तो मैंने आपको, ठीक है, करके दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपीज पे जो काम करना है, ठीक है, आपको मैंने ये समझाया है, आपने इसको इस टेबल की हेल्प से इसके ये जो कॉमन लेटर्स हैं ये आपने मेंशन करने हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से इसके कॉमन लेटर्स आ रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है इंक्रिप्शन विद अ की एंड पासवर्ड, ठीक है। इंक्रिप्शन आपके पास की और पासवर्ड में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास पासवर्ड और एक की में डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, ठीक है। आपके पास वो कहता है जो आपके पास की होती है ना पासवर्ड, आपने बहुत सी जगहों में अपने पासवर्ड लगाए होते हैं, आपको पता है वो आप याद भी कर लेते हैं, वो एक ईजी होते हैं, ठीक है, आपको ईजीली समझ आ जाते हैं, आप उसको याद कर लेते हैं, रिमेंबर रखते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह। लेकिन जो आपके पास की होती है वो आपके सॉफ्टवेयर के लिए होती है, ठीक है, और ह्यूमन प्रोसेस इज मैसेज बाय यूजिंग दैट की डैट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, ठीक है। यानी कि आपने कभी कोई ऐसे, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, की जो है अगर वो उसको चोरी भी करने की लोग कोशिश करते हैं, वो एक पासवर्ड सॉफ्टवेयर के लिए होती है, ठीक है। पासवर्ड तो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए पासवर्ड बना रहे होते हैं, लेकिन जो आपको कायदा एक सॉफ्टवेयर के लिए आपको दिया जाता है कि आपने ये चीज़ यूज़ करके इसको ओपन करना है, तो आपके पास क्या होती है स्टूडेंट्स, की होती है।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है यहाँ पर. पहले आप ये देखें, ये जो डिफरेंसेस हैं, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर टू इन दैट पासवर्ड जनरेटेड रीड एंड मेंबर एंड रिप्रोड्यूस फॉर द ह्यूमन यूज. ठीक है, ये आपने करनी है. किसकी डेफिनेशन? पासवर्ड की. आगे आ जाता है, अ व्हाइल अ की इज यूज बाय सॉफ्टवेयर और ह्यूमन टू प्रोड्यूस प्रोसेस अ मैसेज बाय यूजिंग दैट की द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम. ठीक है, ये आपके पास इसमें डिफरेंसेस भी आ जाएगा और इनकी सेपरेटली डेफिनेशन भी है. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है. तो इससे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके पास गुड पासवर्ड के? ठीक है, आपके पास आप पासवर्ड देखें, आपका पासवर्ड जितना ट्रिकी होगा या मुश्किल होगा, ठीक है, उतना ही लोगों को उसको लगाने में प्रॉब्लम होगी. जाहिर सी बात है, हमारे लिए तो वही है ना अच्छा, कि यानी कि एक अनऑथराइज यूज़र उसको समझ ना सके. सिंपल बात, अगर हम ऐसी एक पासवर्ड बनाएंगे इजीली किसी को पता चल जाए, आप हमेशा कहेंगे जी मैं नाम का पासवर्ड बनाते हुए, अगला नेक्स्ट टाइम वो कहीं भी हैक कर दे, जो भी पर्सन आपका होगा अनऑथराइज वो हमेशा वो यूज़ करके इस्तेमाल कर लेगा. इसीलिए हम पासवर्ड, गुड पासवर्ड हमारे लिए पासवर्ड वो है, सिंपल अगर मैं कहूँ, जो बहुत डिफिकल्ट हो. ठीक है, यानी कि उसको चोरी करना मुश्किल, अगर कर भी लेता है तो वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा मिस कर दे, या हम अपर के लेटर यूज़ करें, या बहुत डिफिकल्ट यूज़ करें, उसके अंदर सिंबल्स यूज़ करें. ठीक है, ऐसा पासवर्ड हमारे लिए क्या होता है? गुड पासवर्ड होता है. ठीक है, आपके पास यहाँ पर आपके पास कुछ इसने बताए हैं करेक्टरिस्टिक्स. इज़ एट लीस्ट 8 करेक्टर लॉन्ग, यानी कि 8 उसके लाजमी होने चाहिए. नेक्स्ट आपके पास है, आप ऐसे पासवर्ड वो हमारे लिए अच्छा नहीं है जिसके अंदर क्या हो, रियल नेम आप यूज़ कर रहे हो, कोई कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हो, आपकी जो कंपनी हो आप उसी का नाम यूज़ कर रहे हो, या अपने बच्चों के नाम से रख दें. ठीक है, ऐसे पासवर्ड नहीं होना चाहिए. या आपके पास कंप्लीट कोई वर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपके पास अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो तो हाफ हाफ यूज़ कर लो, उसके एंडिंग स्टार्टिंग चेंज डिफरेंट कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर चेंज कर लो. ठीक है, आप इस तरह यूज़ करने हैं. और आपके पास प्रीवियस जो आप पासवर्ड यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा उसको क्या होना चाहिए स्टूडेंट, मुख्तलिफ होना चाहिए. अगर हम ये कहें कि हमारा गुड पासवर्ड कंटेन किस में होना चाहिए, तो हम कहते हैं अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स. यानी कि आपके पास आप छोटे बड़े इसको यूज़ करते हुए नंबर्स को यूज़ करेंगे और लेटर्स को यूज़ करते हुए अपने पासवर्ड को बनाएं, ताकि आपका पासवर्ड क्या हो, सिक्योर हो सके. ठीक है, या आपका पासवर्ड क्या हो, चोरी ना हो सके. ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपने याद करने हैं. ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आ सकते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट आपके पास आता है साइबर क्राइम. स्टूडेंट, अब साइबर क्राइम क्या होता है? देखिए, आपके नॉर्मली भी जो हमारे पास क्राइम होते हैं वो क्या होता है, हम कहते थे किसी ने चोरी की. ठीक है, अब जो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं वो क्या है, कंप्यूटर की चीज़ों को यूज़ करते हुए या डिवाइसेस को यूज़ करते हुए अपना किसी का डेटा चोरी करना. ठीक है, या इंफॉर्मेशन लेना, या आपके नेट सोर्सेज को यूज़ करना. ठीक है, आपके फाइल्स को करना या हैक करना, ये सब क्या होते हैं, साइबर क्राइम. यानी कि ऐसे क्राइम जो आपके इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए उसको ख़राब करते हैं, आपके कामों को डिस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब आपके पास क्या होते हैं, साइबर क्राइम. सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी यानी कि एक पर्सन की आइडेंटिटी, यानी कि उसका पासवर्ड या उसका अकाउंट को चोरी करना और उसकी इंफॉर्मेशन लेना, ये आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट. यानी आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ना, किसी की आइडेंटिटी क्या है उसको चोरी करने को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट. उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन फ्रॉड. ट्रांजेक्शन आपको पता है मनी का रेलिवेंट होता है, यानी कि आप क्या करते हैं ऑनलाइन जब हम चीज़ें करते हैं, आपसे पेमेंट तो ली जाती है लेकिन बकायदा उसकी यानी आपको चीज़ नहीं दी जाती, या आपको ऐसा हो कि आपके क्रेडिट अकाउंट से पैसे ले लिए जाएं और आपको क्रेडिट अकाउंट वापस ना हो रहा हो, या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, या आपका जितनी अमाउंट लेने को कहा उससे ज़्यादा ले ली जाए, तो वो भी आपके पास क्या आता है, ट्रांजेक्शन फ्रॉड में ही आता है. नेक्स्ट आपके पास है एडवांस फी फ्रॉड. ठीक है, ये आपके पास क्या है, यानी कि आपको मोस्टली आप देखते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे या आप ईमेल्स वगैरह या किसी भी तरह के अकाउंट जो आप यूज़ करते हैं उसमें मोस्टली मैसेज आते हैं कि आपने इतना विनिंग कर लिया है, इतनी सी अमाउंट दें और अपना कार या जो आपने जीती है वो ले लें. ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, जब आप उसको थोड़ी सी पेमेंट देते हैं तो जो आप अपनी जो उसको आपको बताई होती है प्राइस आपके लिए, वो आपको नहीं देता. ठीक है, वो आपके पास इससे क्या होता है, एक तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही. ठीक है, आपको वैसी भी नहीं मिलती या मिलती ही नहीं है, तो ये एडवांस फ्री फ्रॉड है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हैकिंग. हम ऑलरेडी हैकिंग पढ़े हैं स्टूडेंट्स. हैकिंग क्या है, देखें, आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, ठीक है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के पर्सन ने आपने उसको ये नहीं बताया कि इसके अंदर एरर्स कितने, वो कहता है कि उधर से उसके सॉफ्टवेयर को चोरी कर लेता है. आप इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं, कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर उस पर्सन का चोरी कर लेते हैं बगैर किसी इंफॉर्मेशन, या आप उसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर लें,
या किसी भी वे से आप किसी अननोन पर्सन का नॉलेज लेते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है, हैकिंग। और दूसरा सेकेंडली स्टूडेंट, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पेयर, वो क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को बताए बगैर, ठीक है, हम उसका नॉलेज गेट कर लें, तो वो जो हमारे पास इस तरह के जो काम करता है सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या कहते हैं, साइबर। पायरेसी क्या होती है, पायरेसी एक क्राइम है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आगे आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, पायरेसी में आपके पास जब हम इंफॉर्मेशन किसी की चोरी करते हैं तो वो भी आपके पास किसने आती है, पायरेसी। और आपको एक की दी जाती है, लेकिन आपको मोस्टली पर्सन उस की को भी चोरी करते हैं, ठीक है। उस सारी चीज़ों को, उस जो की को हम यूज़ करते हैं, वो एक बकायदा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो आपके पास कहते हैं पायरेसी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास बताया हुआ है NR3C इज़ अ नेशनल फोर्स एजेंसी, पाकिस्तान में यूज़ करी है, यानी कि जो आपके पास साइबर क्राइम आते हैं, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया या कोई भी प्रॉब्लम की हो, तो आप इस साइट को ओपन करते हैं, वहाँ पर आपके पास कंप्लेन की जाती है, ठीक है। ये आपने यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी MCQs आ रही हैं कि स्टैंड्स याद कर लें, और ये FIA का और NR3C का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने यहाँ से यहाँ तक याद करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज के जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, वो जो मैंने लास्ट में मेंशन किए थे, वो आपने याद करने हैं, और ये जो आपको टॉपिक मैंने लास्ट में बताया है, वो याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।